पाइपलाइन डिविजन पक्षर अनुषित है स्वच्छ भारत अभियान आखिणिया आनंदमार्ग विद्यालय वृक्षरोपण और डस्टबिन स्थापन। इंडियन ऑयल दक्षिण पूर्व भारत आंचलिक पाइपलाइन डिविजन पक्षर् सदर ब्लक अंतर्गत आखिणिया आनंदमार्ग विद्यालय वृक्षरोपण और स्वच्छ भारत अभियान कार्यक्रम 3 तारीख दिन अनुषित हो जाएछि। एहि अवसर में विद्यालय आयोजित एक सचेतनता कार्यक्रम में उत्कल समाज संपादक डॉ भास्कर चंद्र जेना अध्यक्षता करने सहित प्रकृति एवं परिवेश मध्य समन्वय रक्षा एवं यहाँ सुरक्षा ही मानव जीवन श्रृंखलित होता है। कृतज्ञता ज्ञापन कर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन को विशेषकर जो स्टेशन सीनियर स्टेशन मैनेजर अच्छा रतनलाल कुमावत से केवल स्वच्छता जिनस देना आमर जो घर ये अभाव था पाला सी तक प्रचेषार इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तरफ 14,30,000 टंका व्यय गोटे कम्युनिटी सेंटर करा कम्युनिटी सेंटर हम कैपेबिलिटी बिल्डिंग सेंटर हम पिला उन्नति हवा संगे संगे पाख जो गाँ रही से गाँव रो महिला अच्छा अन्न मैंने अच्छा से हाथ को कमी काम जीव से दु पैसा रोजगार करेंगे तेणु से विषय से चिंता करेणु आम तरफ आम अशेष कृतज्ञता ज्ञापन कर आज ये जो प्रोग्राम कराई से पिला शिक्षा देने से कमी भल रे आखपाख गाँव में कमती स्वच्छता अभियान चलो सहयोग कर। इंडियन ऑयल पाइपलाइन डिविजन वरिष्ठ ऑपरेशन मैनेजर रतनलाल कुमावत टेक्निकल मैनेजर इंजीनियर आदित्य कुमार साहू सहकारी मैनेजर राजेश प्रधान पवन कुमार मेंटेनेंस मैनेजर इंजीनियर पॉल कुजरो समारण गोगे प्रमुख एथिरे अतिथि वक्ता भाव जोगदे सामाजिक जीवन में स्वच्छता एवं परिवेश सुरक्षार आभिमुख्य संपर्क में कथा रखिथिले। स्वच्छ परिवेश मनुष्यर मानसिकता उपर बेस सकारात्मक प्रभाव पकाइथिबा बेले वृक्ष ही वायुमंडल को प्रदूषण मुक्त रखा सह परिवेश सुरक्षा रे विशेष सहायक होता है अतिथि माने मत प्रकाश करते। दुई कोटी विषय प्रति सर्वदा सचेतन रहने छात्र छात्री मान परामर्श देते की तरफ से यहाँ पे जो स्वच्छता पखवाड़ा हम लोग 1 जुलाई से लेकर 15 जुलाई के बीच में जो आयोजित कर रहे हैं पूरा भारतवर्ष इस पखवाड़े को मना रहा है उसके अंतर्गत हम स्कूल में ये स्वच्छता जागरूकता प्रोग्राम इंडियन ऑयल की तरफ से कर रहे हैं। इस प्रोग्राम में हम छोटे छोटे बच्चों को कैसे अपने दिनचर्या में स्वच्छता बनाए रखनी है अपने आप को स्वच्छ रखना है और स्वच्छता के प्रति इन छोटे छोटे बच्चों में बचपन से ही जो हम आदत विकसित करने के लिए आज ये जागरूकता का प्रोग्राम हमने किया है। इसमें हम लोगों ने इनको अलग अलग तरह के जो कचरा पात्र हैं डस्टबिन है डस्टबिन भी इनको दिया है और रूटीन में डेली रूटीन में इनको कैसे अपने आप को स्वच्छ रखना है अपने आप को स्वस्थ रखना है अपने आसपास में सफाई बनाए रखना है उसके प्रति हमने इनको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और इनसे अपेक्षा करते हैं कि ये भी स्वच्छता पखवाड़ा आयोजन में अपना भागीदारी देंगे और अपने आसपास के लोगों में जागरूकता बढ़ाएंगे। स्कूल के प्रशासन से भी मेरा अनुरोध है कि वो भी अपने आसपास के लोगों में ग्रामीण लोगों में इस तरह के स्वच्छता जागरूकता अभियान के लिए जागरूकता बढ़ाएंगे। यह अवसर में स्वच्छता एवं परिवेश सुरक्षा संपर्क में छात्र छात्री मान को शपथ पाठ कर स्वच्छ भारत अभियान संबलित विषय वस्तु उपर हो चित्रांकन प्रतियोगित कृति छात्र छात्री मान पुरस्कृत कर सभा परे विद्यालय परिसर में डस्टबिन स्थापन एवं वृक्षारोपण कार्यक्रम होता समस्त कार्य को विद्यालय शिक्षक शिक्षयित्री छात्र छात्री एवं कर्मचारी माने परिचालन करिवारे सक्रिय सहयोग करथिले। आमे शिक्षा सिखिलु जे जे आम प्रकृति को सब बेले आमे स्वच्छ रखिबा बा परिष्कार रखिबा कोनोसी जगा रे कोनोसी खाइबा जिनस फपाड़ीबा नाही कि अळिया करिबा नाही ओ अन्य केही पकाउतिले मध्ये ताकू मना करिबा ताकू पकेबा पई मना करिबा जे डस्टबिन व्यवहार करिवु या करिया फल रे आमो परिवेशटा परिष्कार रहिबो। आजिका कार्यक्रम थिला भारतर स्वच्छता विषय रे आउ आम समाज केमती स्वच्छ रहिबो आम भारत केमती स्वच्छ रहिबो आउ आम गाँ सहर आम स्कूल आम पिलामानु केमती आम स्वच्छता शिखेबु आ से विषय रे आज जो ओयल ओडिशा रु आसीथिले ओयल इंडिया रु समान सु आमकु किछि बुझैले एवं आम पई डस्टबिन आउ झाड़ू सफा सफाई पई बहुत किछि देइगले आमकु आमकु शिखे देइगले जे केमती स्वच्छता हुए आमे निजे करिबु गाँ गाँ बोली तार प्रचार करिबु आउ स्कूल रे मध्य पिला मानकु कहिबु आउ आम कार्यक्रम को आमे आगे नवा पई शपथ करछु।